आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। ऑल इंडिया एससी एसटी पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ मधुपुर शाखा के बैनर तले मधुपुर रेलवे कैंपस में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम में लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी व सफाई कर्मचारी को अच्छे कार्य करने को लेकर एक सम्मान समारोह कर सम्मानित किया गया। समारोह में सभी को शॉल, मास्क, साबुन देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्टेशन प्रबंधक श्री सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कोरोना वायरस जैसे महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात स्टेशन, रेलवे कॉलोनी में साफ सफाई में जुटे हैं और इस महामारी में जंग लड़ते रहे हैं, वह एक मिसाल है। वहीं इस जंग में सबसे अहम किरदार मीडिया कर्मी ने अपने अपने समाचार के द्वारा लोगों को साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर जागरूक करते रहे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई का पालन का पाठ अपने समाचार पत्र व चैनल के द्वारा जागरूक करते रहे। मीडिया कर्मी हर जगह जाकर लोगों को जागरूक करते रहे, वह बुलाया नहीं जा सकता। इस जंग में स्वास्थ्य कर्मी की भी अहम भूमिका रही है जो बिना डर भय के लोगों की स्वास्थ्य जांच में लगे हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम फिक्स किया गया था वो एससी एसटी यूनियन के तरफ से, रेलवे यूनियन के तरफ से दिया गया था और इस कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है अभी के समय में 25 मार्च से हम लोग के यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ है, तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है। मेरे जितने भी रेल कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, एचआई हैं, पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, मैं स्टेशन की तरफ से, रेलवे की तरफ से सबका तहे दिल से आभारी हूँ जो कि ये संक्रमण की घड़ी में भी दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के अपना रिपोर्टिंग करते हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते हुए भी लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। खास करके मैं सभी सफाई कर्मी को तहे दिल से, रेलवे प्रशासन की तरफ से और पुलिस कर्मियों को भी मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ और बहुत ही हुए बधाई के पात्र हैं कि इस संक्रमण की घड़ी में मिलजुल करके बहुत ही तन मन से वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ जिससे कि वो समाज की सेवा करते रहें और रेलवे में भी सेवा करते रहें। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।